नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इसमें जो हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो है आपका ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इससे पहले कल हम लोग ने पढ़ा था भारतीय रेलवे को, ठीक है, भारत रेलवे जोन को, इसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक को पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो नया टॉपिक हमारा रहेगा भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का गुवाहाटी असम में है, और पूर्वोत्तर रेलवे का है गोरखपुर में यूपी में, और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर बिहार में, कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कोलकाता में पश्चिम बंगाल, पूर्व रेलवे का कोलकाता में पश्चिम बंगाल, दक्षिण पूर्व रेलवे का भी कोलकाता में पश्चिम बंगाल में, पूर्व तटीय रेलवे का भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, दक्षिण रेलवे का जो है चेन्नई में तमिलनाडु, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है, दक्षिण तटीय रेलवे का हुबली, और दक्षिण पश्चिमी रेलवे का ये हुबली यहाँ पर दिया गया, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का भी नहीं दिया गया, ठीक है। और इसके बाद फिर है मुंबई सेंट्रल का जो है, सॉरी, मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल है मुख्यालय, और पश्चिमी रेलवे का चर्च गेट मुंबई है, पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर है, और उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर है, और फिर उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद है, ठीक है। तो ये आपका टोटल रेलवे जोन है। उत्तर रेलवे का स्थापना 14 अप्रैल 1952 को, उत्तर मध्य रेलवे का स्थापना 1 अप्रैल 2003 को, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का स्थापना 15 जनवरी 1958 को, पूर्वोत्तर रेलवे का स्थापना 14 अप्रैल 1952 को, उसके बाद है पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना 1 अप्रैल 2002 को, कोलकाता मेट्रो रेल का स्थापना 29 दिसंबर 2010 को, पूर्व रेलवे का स्थापना 14 नवंबर 1952 को, दक्षिण पूर्व रेलवे का स्थापना 1 अगस्त 1955 को, पूर्व तटीय रेलवे का स्थापना 1 अप्रैल 2003 को, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को, दक्षिण रेलवे की स्थापना 14 नवंबर 1951 को, दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना 2 अक्टूबर 1966 को, दक्षिण तटीय रेलवे की स्थापना 2019, दक्षिण पश्चिमी रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल 2003, मध्य रेलवे की स्थापना 5 नवंबर 1951, पश्चिम रेलवे की स्थापना 5 नवंबर 1951, पश्चिम मध्य रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल 2003, और उत्तर पश्चिमी रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को। इस प्रकार हमने रिवाइज किया। तो अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आज का, तो भारत के राष्ट्रीय आज का जो टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है जलमार्ग संख्या, उसके बाद है विस्तार है, उसके बाद विशिष्टता है, उसके बाद घोषणा कब की गई, वह इसको चारों को पढ़ने। इसमें तो सबसे पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जिसका किलोमीटर है 1620 किलोमीटर। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, इसका जो लंबाई है 891 किलोमीटर। उसके बाद थर्ड है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, इसका 205 किलोमीटर है। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग 4, 1095 किलोमीटर। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग 5, 623 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले था आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 1620 किलोमीटर, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, 1095 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 5, 1623 किलोमीटर, ठीक है। तो ये टोटल था आपका। तो राष्ट्रीय जलमार्ग का जो रास्ता है, जो विस्तार है, वो आपका है इलाहाबाद हल्दिया गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर। तो इलाहाबाद से हल्दिया जाता है, ठीक है। तो आपका इलाहाबाद से हल्दिया, जिसका रूट है गंगा नदी से भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली तक, ठीक है। तो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का जो है रास्ता है, वह है सादिया धुबरी, सादिया धुबरी, और ये
ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, शादिया धुबरी, राष्ट्रीय जलमार्ग थ्री कोट्टापुरम कोल्लम, राष्ट्रीय जलमार्ग थ्री कोट्टापुरम कोल्लम, ठीक है, केरल। उसके बाद आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पौंडीचेरी, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पौंडीचेरी। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पांच उड़ीसा पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहला है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक इलाहाबाद हल्दिया गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो शादिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, राष्ट्रीय जलमार्ग थ्री कोट्टापुरम कोल्लम केरल, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पौंडीचेरी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पांच उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो रास्ता है, ठीक है, तो पहला का इलाहाबाद हल्दिया, दूसरा है शादिया धुबरी, तीसरा है आपका कोट्टापुरम कोल्लम केरल, चौथा है आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पौंडीचेरी, पांचवा है उड़ीसा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पहला इलाहाबाद हल्दिया यूपी से कलकत्ता यूपी से बंगाल, दूसरा है शादिया धुबरी जो कि असम नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है, असम साइड में, तीसरा है आपका केरल कोट्टापुरम कोल्लम, चौथा है आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पौंडीचेरी। इसकी लंबाई अच्छी खासी है 1095 किलोमीटर, और पांचवा है आपका उड़ीसा पश्चिम बंगाल, ठीक है, जिसका 623 किलोमीटर है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक का जो विशिष्टता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवहन योग्य है, और यह जलमार्ग विकास तर्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। और पहला हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का पटना 460 किलोमीटर, और उसके बाद पटना इलाहाबाद 600 किलोमीटर, कुल मिला के आपका ये 1620 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो यह भारत जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है, यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। तो आपका पहला है, जो पहला रूट है हल्दिया फरक्का तक, जिसका लंबाई 560 किलोमीटर, उसके बाद फरक्का पटना 460 किलोमीटर, उसके बाद पटना इलाहाबाद 600 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक का जो घोषणा हुआ था वो हुआ था 27 अक्टूबर 1986 को, ठीक है, 27 अक्टूबर 1986 को उसका घोषणा हुआ था। उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो, और इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवहन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करता है। तो आपका जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवहन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करता है, और इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1988 को हुआ था, ठीक है, 26 अक्टूबर 1988 को। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तीन, तो कोट्टापुरम कोल्लम, और यह आपका केरल में है, और इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर लंबी, तथा चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तीन कोट्टापुरम कोल्लम, इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, और उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर लंबी, तथा चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है, ठीक है। और ये 1 फरवरी 1991 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 फरवरी 1991 को, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तीन
इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर लंबी तथा चंपा चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। तो इसमें आपका तीन नहर है, एक है आपका उद्योग पश्चिमी तट नहर, उद्योग मंडलम नहर और चंपाकारा नहर, तीनों का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तीन में कौन कौन सा नहर आता है, तो आपका है पश्चिमी तट नहर, उसके बाद है उद्योग मंडलम नहर और चंपाकारा नहर। ठीक है, उसके बाद आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार, जिसका जो रूट है वो है जिस राज्य में पड़ता है वह है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। और इसका पहला पॉइंट क्या है, विशिष्ट पॉइंट, मद्रास से राजसमुद्री 171 किलोमीटर है, मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, वजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर और काकीनाडा से पौंडीचेरी 767 किलोमीटर है। तो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार जो कि 1095 किलोमीटर का है, उसमें सबसे पहला पार्ट है मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, उसके बाद है वजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर, उसके बाद है काकीनाडा से पौंडीचेरी 767 किलोमीटर, ठीक है 767 किलोमीटर है। और उसके और इसकी स्थापना 2008 में हुआ था। उसके बाद आखिरी है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पाँच, जिसका 623 किलोमीटर लंबाई है और ये उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में इसका जो है राज्य में पड़ता है, और उड़ीसा में 532 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में जो है 91 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो पार्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पाँच का उड़ीसा में 532 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर है, और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो ये आपका टोटल था, अब हम रिवाइज लेंगे एक से दो बार, ठीक है, अभी उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको आराम से याद हो जाए। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक 1620 किलोमीटर है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो 891 किलोमीटर है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तीन 205 किलोमीटर है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार 1095 किलोमीटर है और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पाँच 623 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा एक ट्रिक जो है, यहाँ पर सबसे बड़ा जो आपका जलमार्ग है कौन सा है, तो वन है और उसका कितना किलोमीटर है, तो 1620 किलोमीटर है, और सबसे छोटा है आपका तीन नंबर, ठीक है, और इसका जो किलोमीटर लंबाई है 205 किलोमीटर है, जो कि केरल में है, ठीक है, कोट्टापुरम से कोल्लम। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पाँच का जो है उड़ीसा पश्चिम बंगाल में, और सबसे ज़्यादा पार्ट इसका उड़ीसा का ही है 532 किलोमीटर, ठीक है, तो ये आप थोड़ा बहुत ट्रिक से याद कर सकते हैं। जलमार्ग संख्या एक का जो स्थापना हुआ था 1986 में, और जलमार्ग संख्या दो का 1988 में, तीन का आपका 1991 में, ठीक है, उसके बाद चार और पाँच का 2008 में, ठीक है, तो एक आपका जो उड़ीसा का है और एक आंध्र प्रदेश वाला, एक दोनों जो है 2008 में हुआ था इसकी स्थापना। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार और पाँच का स्थापना 2008 में हुआ था, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार का है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, और पाँच का है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, और तीन है आपका कोल्लम, केरल। तो एक बार रिवाइज करते हैं आखिरी बार, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक का विशिष्टता क्या है, तो यह भारत के सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत तक साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवहन योग है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए तीन भागों में विभाजित है, हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का पटना 460 किलोमीटर, पटना इलाहाबाद 600 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवहन योग है, जिसका भारत व बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या तीन या इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर लंबी तथा चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी शामिल है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या चार
ये आपका जो है मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, वजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर, और काकीनाडा से पुंडीचेरी 767 किलोमीटर। ठीक है, तो मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, वजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर, और काकीनाडा से पौंडीचेरी 767 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 उड़ीसा में 532 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर है। ठीक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का जो विस्तार है वह इलाहाबाद, हल्दिया, गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का सादिया, धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम, कोल्लम, केरल। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आपका था टोटल राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का जो आपका विवरण। तो इस प्रकार हमने पढ़ा, तो एक बार जलमार्ग संख्या 1 का 1620 किलोमीटर लंबा है, जलमार्ग संख्या 2 891 किलोमीटर, जलमार्ग संख्या 3 205 किलोमीटर, जलमार्ग संख्या 4 1095 किलोमीटर, जलमार्ग संख्या 5 जो है 623 किलोमीटर, और जलमार्ग संख्या 4 1095 किलोमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।